नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। अगर पुल नहीं बना तो वोट भी नहीं दिए जाएंगे। नेताओं के आश्वासनों में उलझ कर रह गया कुत्ताबाग गांव का माइनर और उस पर बना पुल। विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों का मूड सत्ता के खिलाफ मतदान कर सकते हैं। कुत्ताबाग के ग्रामीणों ने इसी मामले को लेकर के लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार भी किया था। 4100 वोट किसी भी पार्टी के प्रत्याशी की हार और जीत का फैसला कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में बहिष्कार के बाद सांसद सुनीता दुग्गल के आश्वासन पर 600 वोट पोल भी हुए थे। 3 दशक से कुत्ताबाग का पुल निर्माण कई आश्वासनों के झमेले में पड़ा रहा। जिस समय ग्रामीणों ने बहिष्कार किया तो सांसद सुनीता दुग्गल द्वारा ग्रामीणों के समक्ष में यह वायदा किया गया था कि जल्द से जल्द इसका निर्माण करवाया जाएगा। इस मार्ग से दर्जनों गाँव का सीधा संपर्क रानिया मंडी से जुड़ता है। कुत्ताबाग से सैकड़ों लोग रोजाना रानिया मंडी में आते जाते हैं। छात्र भी पढ़ाई के लिए इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं। पल पल रानिया से ओपी वर्मा की विशेष रिपोर्ट। रानिया से 6 किलोमीटर की दूरी पर कुत्ताबाग के लोगों की पुरानी मांग घग्गर नदी पर पुल बनाया जाना आश्वासनों के झमेले में उलझ कर रह गया। लगभग 3 दशकों से सत्ता में आने वाली हर सरकार और उसके समक्ष कुत्ताबाग के ग्रामीणों ने फ्लडी नहर पर पुल बनाने की गुहार हमेशा लगाई, लेकिन आश्वासनों का झुंझुना थमाए जाने के सिवाय आज तक इन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा। जिसके विरोध स्वरूप पिछले विधानसभा चुनाव में और इसके दौरान ग्रामीणवासियों ने एकत्र होकर के मतदान का बहिष्कार भी किया था। ग्रामवासियों द्वारा किए गए मतदान के बहिष्कार को लेकर के तत्कालीन जिला उपायुक्त प्रभजोत सिंह व वर्तमान सांसद सुनीता दुग्गल ने गाँव में पहुँच करके लोगों को आश्वासन दिया था कि आचार संहिता हटते ही सर्वप्रथम पुल का निर्माण शुरू करवा दिया जाएगा, जिसके बाद ग्रामवासियों ने उच्च अधिकारियों तथा सांसद सुनीता दुग्गल के आश्वासन जताते हुए मतदान का आरंभ करवाया। चुनाव के नतीजे भी आए और सुनीता दुग्गल सांसद भी बनी। प्रशासन व सांसद की ओर से अब तक इस पुल का निर्माण शुरू नहीं किया गया। गाँववासियों का कहना है कि उनके बच्चे बेरोजगार युवा रानिया शहर में रोजगार का काम धंधा करने के लिए रोजाना इसी मार्ग का आवागमन करते हैं, जहां पर पुल की व्यवस्था न होने के कारण लोगों को रोजाना मौत के मुंह से गुजरना पड़ता है। इस अस्थायी पुल पर अब तक आधा दर्जन लोग अपनी मौत के हाथों जा चुके हैं, यानी मौत का शिकार हो चुके हैं। घग्गर नदी में बरसाती सीजन में पानी का जल स्तर बढ़ जाता है और रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिसके कारण उन्हें वाया ऑटो होकर के शहर में पहुँचना पड़ता है, जो कि 22 किलोमीटर दूर का रास्ता है। यानी 22 किलोमीटर आना और 22 किलोमीटर जाने का रोज का आवागमन, समय और आर्थिक नुकसान दोनों झेलने पड़ते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पुल के माध्यम से रानिया शहर में सीधा संपर्क काफ़ी नज़दीक पड़ता है। अगर अब की बार पुल नहीं बनाया गया तो वोट भी नहीं दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। पिंड निवासी हाँ, साढ़े इस इलाके घट्टो घट 25-30 पिंड पेंदे जो रानिया नाल है जी, बहुत समस्या सानू पुल दी है जी। साढ़े 25-30 साल 40 साल हो गए सानू सरकार आउंदियां गईयां जांदियां रहियां, सानू ये आश्वासन नहीं दिंदे रहे सारियां सरकारां। तो पिछली बारी भी बहिष्कार कीता सी वोटां दा, तो आण के सानू डीसी साहब और संसद दुग्गल जी ने सानू आश्वासन दिता सी कोई नहीं पत्थर नहीं रख्या, कोई कुछ नहीं। हुण साडी समस्या है इलाका वासियां दी, एक नहीं 25-30 पिंडां दी साडी यही मांग है भी साडा पुल बनना चाहिए। सुनीता दुग्गल सांसद बनने के बाद भी गाँव वासियों ने उनसे मुलाकात की? गए सी जी, हाँ जी गए सी, कोई सानू आश्वासन दे के बस तोर। तो पुल का कार्य अभी तक का बिल्कुल बंद है जी, कुछ नहीं पूछा ही कोई नहीं, आया ही कोई नहीं गा जी। तो आप वोट किसके पक्ष में डालेंगे? वोट असी जी बिल्कुल वो आपदे इलाके वासी सारा इलाका इकट्ठा करके जिवे साडी समस्या मतलब सारे इलाके दी, एक नहीं 25-30 पिंडा दी साडी मतलब इकट्ठ दे हिसाब नाल ही वोट पावांगे या बैश करा वो साडे सारे इलाके दी मंग है जी। ठीक है, सब तो वड्डी समस्या जिहड़ी साडी पुल दी है, जिहड़ा कि सारियां सरकारां ने ये सानू 20 साल हो गए लारा लाया पत्थर लाए, उस तो बाद किसी ने सुनवाई नहीं की। बीजेपी सरकार बनी, उन्होंने सानू बनदियां सार विश्वासन दवाया, पर एक बजे तो बाद डीसी साहब आए सी, दुग्गल जी आए सी, उन्होंने विश्वासन दवाया सी कि तुहाडा जिहड़ा है जिहड़ा चार सहिता बंद हुंदियां सार ही जिहड़ा तुहाडा है पुल चालू होजूगा, तो विधानसभा के इलैक्शन तो पहला तुहाडे तो ज़्यादा पुल तैयार होजू। उस तो बाद ना कि ने सुनवाई की, ना कोई आया, तो ना ये पुल बारे किसी ने सानू
इस पासे ध्यान दिता। तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा आपका? वो तो अं असी पुल बारे मांग की है, पुल जोड़ा इन्हें ना जो इन्होंने सरकार ने ना हूँ पहला शुरू किया तो फिर असी सरकार के खिलाफ हाँ। असी एक पिंड नहीं खिलाफ, घट तो घट भी पिंड साढ़े पेंडे जोड़े इस पुल वास्ते दुखी है, इस करके असी सरकार के खिलाफ है। साड़ा पुल नहीं जिन्ना चिर बनता। और जिहड़ी साडी मेन मंग है जी पुल की है, और सारे पिंड की और जिन्हें भी 20 पिंड है जी उन्होंने सारे की साडी मंग है जी। ठीक है, उस तो बाद जी दुग्गल जी आए थे, सानू विश्वास दवाया उन्होंने, और पहलो असी बाइकेट किया जी वोटों का, उस तो बाद दुग्गल साहब जी आए उन्होंने सानू विश्वास दवाया और असी वोटा उस तो बाद पैन लग गई जी। हाँ जी, तो उस तो बाद हुण साडे सारे पिंड की यही मंग है जी, साडे जिहड़े बच्चे है वह इतों सब जो पुल के उत्तों टप के जाते जी, जिन्हें साढ़े बच्चे कारोबार है जो साडा राणिया जुड़े हुए हैं जी, मेन साडा राणिया शहर लगता जी। लगी तो सरकार के वादों का क्या रहा आपको? जो सरकार ने आपसे जो वादे करे थे जी हमारे कोई पूरे नहीं हुए जी, सारे झूठे वादे थे जी। क्या निर्णय लेंगे आप चुनाव में? निर्णय यही है सारे गांव जो भी सारा है गाँव निर्णय लेगा जो गांव के साथ है जी, लेकिन हम बाइकट इस गांव के इसलिए कर रहा है जी, निर्णय लेगा जो भी तो वो उसी हिसाब से मतलब वोट डालेगी जी, और जितने भी हमारे गांव के लोग हैं सारे सरकार के खिलाफ हैं जी। कुत्तावट दे रहने वाले ब्लॉक समिति मेंबर हैं। साडा जिहड़ा ये मंग है ये साडी कल्यां दी मंग नहीं, 20 पिंडां दी मंग है। साडा जिहड़ा कोई आना जाना साडा हरेक गरीब तो लैके, जे बच्चा कोई बीमार हो जाता राणिया शहर नेड़े पैंदा, गरीब आदमी छेती तो छेती लैके पहुँच जाता। साडी पुल की समस्या, साडी पुल की समस्या जिहड़ी साडी किसी भी सरकार ने सुनाई नहीं की, सारे ही सानू पुल दे के गए आ, सारे कहन दे थोड़ा पुल बना देंगे असी वोटा पा दो, साथों वोटा लै जांदे आ, साडा पुल का किसी ने भी नहीं समस्या साडी सुनी। सब तो ज़्यादा मेन गरीब दुखी है, वड्डे आदमी कोले साधने हो तो उत्तों दी 20 किलोमीटर हो के जा वड़दा, ते सानू पुल दी समस्या, पुल दी जिहड़ा साडी समस्या सुनूंगा असी उहदे हक च वोट पा देंगे। वेरी गुड।